और हमारी जनता, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो लेके आ चुके हैं आपके लिए नई मूवी। तो इस मूवी में एक लड़की 5 लड़कों के साथ एक साथ इंटीमेट होती है, फिर जब उसके स्कूल और घर वालों को पता चल जाता है तो क्या होता है उसके साथ, इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो मूवी कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक मलीसा नाम की लड़की होती है जो कि अपनी डायरी के थ्रू बता रही होती है कि कल उसके समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है, और उसके साथ वो ये भी बताती है कि डैनियल जो उसका क्लासमेट होता है उसने उसको और उसकी फ्रेंड को अपने पूल में इन्वाइट किया है। मलीसा डैनियल को बहुत पसंद करती है, और जब वो मलीसा डैनियल के पूल में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके सारे दोस्त वहां पे पहले से पहुंच रखे हैं। कुछ देर बाद डैनियल उसे पूल का गार्डन दिखाने के लिए ले जाता है। यहाँ मलीसा और डैनियल बात कर रहे होते हैं, तभी मलीसा से डैनियल कहता है कि उसे प्लेजर दे, और जब मलीसा उसे पसंद करती है तो वो उसे दे देती है प्लेजर, और यहीं पर सीन कट होता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि उसका समर वेकेशन ख़त्म हो गया है, और अब वो मलीसा मनवेला के साथ स्कूल जाती है, और तब वो उसे बताती है कि उस दिन के बाद से डैनियल ने मुझे कांटेक्ट तक नहीं किया है। फिर क्लासरूम में हम देखते हैं कि माइक्रो नाम का एक लड़का न्यू एडमिशन लेता है। अगले दिन हम उसके डैड से उसे बात करता हुआ देखते हैं। उसके डैड काम के लिए कुछ फॉरेन में रहते हैं, और मलीसा अपने मॉम और ग्रैंड मॉम के साथ घर में रहती है, और मलीसा को लगता है कि उसकी मॉम ग्रैंड मॉम को पसंद नहीं करती हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मलीसा डैनियल से मिलने क्लब में जाती है। इसके बाद वो डैनियल को अपने घर पर ले जाती है, और एंटीमेट वो होता है उसके साथ, पर मलीसा वर्जिन होती है तो उसका ये फर्स्ट टाइम होता है, तो उसे ब्लीडिंग होने लगती है, और अब डैनियल उसे इडियट कहकर वहाँ से चला जाता है, और इस सब के बाद वो डैनियल को काफ़ी हेट करने लगती है। अगले दिन हम उसकी ग्रैंड माँ को देखते हैं, जो कि मॉम उसको वहाँ पे दूसरे घर में शिफ्ट कर देती हैं। उसकी ग्रैंड माँ एक हार्ट की पेशेंट होती हैं, जिसकी वजह से उनकी मॉम को वहाँ उसे छोड़ना पड़ता है ताकि उनकी अच्छे से केयर हो सके, मगर इसके इस डिसीजन से मलीसा काफ़ी नाराज़ हो जाती है। फिर जब वो शाम को अपनी मॉम के पास जाती है तो वो उनसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर पापा यहाँ होते तो ग्रैंड माँ को कभी वहाँ पर नहीं जाने देते। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैंने और डैड ने मिलके ही ये फैसला लिया है। अब यहाँ मलीसा अपनी डायरी में लिखती है कि मुझे सबकी तरह अब क्रूल बनना है, जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा ही मैं अब दूसरों के साथ करना चालू करूँगी। फिर हम मलीसा को काफ़ी चेंज होता हुआ देखते हैं, और अब देखते ही देखते क्रिसमस आ जाता है, जिसकी वजह से मलीसा के घर पे उसकी ग्रैंड माँ आती हैं, और जब वो उसके घर आती हैं तो वो मलीसा में काफ़ी चेंज देखती हैं, तो वो समझ जाती हैं कि उसके साथ कुछ हुआ है, और फिर वो उसे अपने पास्ट के बारे में, मतलब अपनी शादी से पहले के अफेयर के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मैं उसे बहुत प्यार करती थी पर वो मुझे केवल यूज़ करता था, और एक दिन मुझे छोड़कर भी चला गया। फिर वो काफ़ी डिप्रेस रहने लगी, पर मैंने हिम्मत की और उससे मूव ऑन किया। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में उसके पास डैनियल का कॉल आता है। डैनियल उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है, और क्योंकि अब वो चेंज हो चुकी थी तो वो हाँ कर देती है। फिर वो वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे वो डैनियल का एक दोस्त देखती है ऑर्नाल्डो, और वो उसे सेड्यूस करती है और उसी के साथ एंटीमेट हो जाती है। अगले दिन मलीसा ये बात मनवेला को बताती है और कहती है कि उसने खूब इंजॉय किया, पर यह सुनकर वो मनवेला खुश नहीं होती और उससे एक प्रॉमिस लेती है कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर वो उसे कुछ जवाब नहीं देती। उसी रात मलीसा एक सेक्स साइट पे मैसेज करके कहती है कि उसे इंटीमेट होने के लिए एक लड़के की ज़रूरत है, और अगले दिन वो म्यूज़ियम जाती है और उसी के एक स्टाफ के मेंबर के साथ इंटीमेट हो जाती है। मलीसा अपनी साथी बातें अपनी डायरी में लिखती थी, तो एक दिन उसकी डायरी क्लासमेट्स के हाथ में लग जाती है और सब उसका खूब मजाक उड़ाते हैं पढ़कर। और यहाँ पर मलीसा वहाँ मनवेला को भी देखती है जो कि उसका मजाक उड़ा रही होती है। फिर वहाँ माइक्रो आता है और उनसे डायरी छीनकर मलीसा को दे देता है। मलीसा फिर मनवेला से बात करना बंद कर देती है, उसे दोस्ती तोड़ देती है, और नेक्स्ट डे वो स्कूल जा रही होती है तो उसके पास मनवेला आती है, पर मलीसा उसे इग्नोर कर देती है। और तो और वो स्कूल के गार्डन में होती है तो वहाँ पर उसे ऑर्नाल्डो का कॉल आता है, पर वो हेडफोन की वजह से उसे सुनाई नहीं देता। तभी वहाँ पर माइक्रो आता है
और उसे वो कॉल के बारे में बताता है, जिसके बाद ऑर्नाल्डो मलीसा को एक जगह पट्टी बांधकर बेसमेंट में ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी लड़के आते हैं जो कि मलीसा के साथ बारी बारी से इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे मलीसा अपने स्कूल जाती है, जहाँ पर यह बात सबको पता चल चुकी होती है, तो वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। पर मलीसा शर्मिंदा होने की बजाय उनसे कहती है कि जो मैंने किया वो ठीक किया। और फिर जब हम रात में देखते हैं तो जिस साइट पर उसने मैसेज डाला था उसका रिप्लाई आ गया है, उसने एक होटल का एड्रेस भी दिया है उसे, और वो जाने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन उसकी मॉम उसके डॉग लेके आती हैं, जिससे उसे अकेला ना फील हो, पर मलीसा वहाँ से जा चुकी होती है, वो घर पर नहीं होती है। मॉम उसे ढूंढती हैं और ढूंढते ढूंढते उसके रूम में पहुँच जाती हैं, जहाँ उन्हें उसकी डायरी मिलती है। वो उसे पढ़ती हैं और उसे पढ़कर काफ़ी शौक हो जाती हैं। तभी उनके पास कॉल आता है जो कि ग्रैंडमा की तरफ से होता है, तो उन्हें पता चलता है वहाँ जाके कि उनकी डेथ हो चुकी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मलीसा जिस होटल में पहुँच जाती है वहाँ पर उसके पास एक आदमी होता है जो कि साइको होता है। पहले तो वो मलीसा को बेल्ट देता है और ख़ुद को मारने के लिए कहता है, पर जब वो मारती है थोड़ी देर तक तो उसे बेल्ट छीनकर थोड़ी देर बाद उसे ही मारने लगता है। मलीसा वहाँ से जान बचाकर सीधा अपने ग्रैंड माँ के घर आ जाती है, जहाँ पे उसकी मॉम होती हैं। उसे वो ग्रैंड माँ की डेथ के बारे में बताती हैं और उसकी डायरी के बारे में भी उससे पूछती हैं, तो वो बताती है कि हाँ ये सच है, और काफ़ी गिल्टी फील करती है। और फिर हमें पता चलता है कुछ दिनों बाद कि आज उसका स्कूल का लास्ट डे है, और वो स्कूल जाती है जहाँ वो मनमेला से दोबारा दोस्ती कर लेती है। आज रिज़ल्ट आया था जिसमें माइक्रो फेल हो जाता है, जहाँ पे मलीसा की मुलाकात फिर से माइक्रो से होती है, और फिर वो दोनों बात करते हैं, जहाँ माइक्रो फिर उसे दूसरी जगह ले जाता है और उसे अपनी ड्राइंग दिखाता है जिसमें उसने उसी की तस्वीर बनाई होती है। और फिर उसे वो यह भी बताता है कि वो उसे पसंद करता है। फिर वो दोनों हग करते हैं और कुछ मोमेंट्स इन्जॉय करते हैं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि मलीसा और उसकी मॉम ग्रैंड माँ के फ्लोर में आई होती हैं और उनके बीच सब ठीक हो गया है, और वो दोनों हग करती हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। इंस्टाग्राम पर हूँ मैं, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।